जय शाह, अ मैन ऑफ वर्ड्स, अ मैन ऑफ कमिटमेंट। अभी साइक्लोन है, अब पहले फ्लाइट से आ सकता था, नहीं आया। टीम के साथ आऊंगा, चैंपियंस के साथ आऊंगा। और जितने इंडिया के जर्नलिस्ट वहां स्टक हैं, उन्हें चार्टर्ड प्लेन से लेके चैंपियंस को चैंपियन लेके चैंपियन फ्लाइट के साथ लेके आ रहा है हिंदुस्तान। वेल डन जय शाह साहब। मगर बूस्ट तो और बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को मिल गया, बिकॉज आज जय शाह ने की एक अनाउंसमेंट। सर, आई थिंक बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर। और मेरे ख्याल में जय शाह, जहां कभी कभी उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आई थिंक अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, तो वेरी वेल डन। और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया चेयरमैन। तो आज जो इंडियन जर्नलिस्ट जो थे वो बारबाडोस में फंस गए थे और उन्होंने कहा कि अब हमारे पास फ्लाइट नहीं है, हम कैसे जाएंगे, बहुत आगे की फ्लाइट हमें मिल रही है। तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने बहुत अच्छा जेस्चर दिखाते हुए, जो कि आज तक इंडियन क्रिकेट में नहीं हुआ है, बहुत अच्छा जेस्चर दिखाते हुए सभी जर्नलिस्ट को जो है वो इंडियन टीम, वर्ल्ड चैंपियन इंडियन टीम की फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी। एंड आई मस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ और देखा हूँ एक से एक बोर्ड प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आए, इस लेवल की जेनरोसिटी। बाहर में आप फंसे हुए सारे जर्नलिस्ट को, जितने लोग यहाँ पर हैं बारबाडोस, उसको साथ में टीम के साथ ले जाना, उन्होंने कहा। और समझ लीजिए कि भाई ऑब्वियसली किसी को कोई पैसे भी नहीं लगने वो। और ये एक छोटा सा जश्न नहीं है, ये बहुत बड़ी एक अच्छी चीज है। और आई एम श्योर कि यहाँ पे जितने भी हम सब कमिटमेंट, लेकिन कंट्रोल भी हुई है। लेकिन जय शाह साहब ने कहा आईपीएल से पहले झंडा लहराएंगे, लहरा दिया। अभी साइक्लोन है, अब पहले फ्लाइट से आ सकता था, नहीं आया। टीम के साथ आऊंगा, चैंपियंस के साथ आऊंगा। और जितने इंडिया के जर्नलिस्ट वहां स्टक है, उन्हें चार्टर्ड प्लेन से लेके चैंपियंस को चैंपियन लेके चैंपियन फ्लाइट के साथ लेके आ रहा है हिंदुस्तान। वेल डन जय शाह साहब। सारों को फ्री चार्टर्ड फ्लाइट से, ये है सेक्रेटरी, 125 करोड़। वाह भाई वाह जय शाह साहब। सलाम है मेरा आपको जय शाह साहब, आपने जो कहा कर दिखाया। आप आ सकते थे बारबाडोस से तूफान से पहले, आप नहीं आए। आपने कहा टीम को, चैंपियंस को, अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, जर्नलिस्टों को नहीं आ रहने दूंगा। चार्टर्ड फ्लाइट कराई जर्नलिस्टों समेत अपने वो भी चैंपियन है, आपने पूरी पाकिस्तानी मीडिया भाई मुरीद हो चुकी है जय शाह के। एक तो जय शाह बीसीसीआई के और आईसीसी के जो है चेयरमैन है और बहुत पावरफुल हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। टीम इंडिया अभी जो है बारबाडोस में फंसी हुई थी, क्योंकि वहाँ से अब वो रवाना हो चुके, पर उन्होंने एक ऐसा काम किया जैसे पूरे पाकिस्तानी मीडिया उनके मुरीद हो चुके हैं। उन्होंने क्या किया कि भाई जो इंडियन जर्नलिस्ट कवर करने गए थे भाई जो T20 वर्ल्ड कप को, तो वो उनका जो है उन्हें नहीं मिला था, कोई प्लेन नहीं मिला था, वो आ नहीं पा रहे थे और बहुत आगे का उन्हें डेट मिल रहा था। तो ऐसे में भाई जय शाह से जो जर्नलिस्ट है मजाक में बोलते हैं कि सर आप तो पहुंच जाओगे कल और हम यहीं फंसे रह जाएंगे, तो ऐसे में जय शाह क्या करते भाई, उनको भी सेम उसी प्लेन में लेके आ रहे हैं जिसमें जो अभी टीम इंडिया जो चैंपियन है भाई, टीम इंडिया चैंपियन के खिलाफ लिख रहे हैं, वो चैंपियंस है, दे आर द रियल हीरोज, वो आवाज पहुंचाते हैं। तो ये इनके कारनामे है। जय शाह साहब मेरा आपको सलाम है। और इंडियंस गेट रेडी, ऐसा 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 इस्तकबाल करें जैसा जिंदा कौमें करती हैं। तो भाई मेरा सलाम है जय शाह साहब आपके वालदैन को, अमित शाह साहब आपको फखर से सर बुलंद होना चाहिए, आपने घलाली बेटा पैदा किया जो समझता है, जो अपनों के साथ खड़ा। जय शाह साहब आपने कमाल कर, आपने वो कर दिखाया जिसके सिर्फ लोग सोचते हैं। हमारा पीसीबी का चेयरमैन हारी भी, जलील हुई भी टीम गया, लेकिन आगे हिम्मत नहीं हुई कि वर्ल्ड कप पे चला जाए, अमेरिका रुक गया। और जय शाह साहब आपने कमाल किया, अपने जर्नलिस्टों को, अपने हीरोज को एक चार्टर्ड तैयारे में हिंदुस्तान लेके जा रहे। तो इंडिया वालों अपने चैंपियंस का ऐसे इस्तकबाल करो जैसे चैंपियंस का हक होता है। जय शाह साहब, यू हैव वन द हार्ट्स ऑफ millions and millions, obviously Hindustanis and Pakistanis and world over. You are a symbol of brotherhood. You are a symbol of a man of a commitment, a true patriot, a true gentleman who never left his own people behind. You stand like a rock. I salute you. Very, very well done. पहुंच गए बारबाडोस एयरपोर्ट में, प्लान तो नहीं था, फंसे हुए थे बुरी तरह से, लेकिन थैंक्स टू बीसीसीआई, स्पेशली बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह, वो जिस दिन हम लोग बार बार बोल रहे थे उस दिन हम लोग उनसे मिले थे मीडिया के लोग, और उसके बाद हमने मजाक में कहा कि भाई आप लोग तो चले जाइएगा चार्टर से, हम लोग का क्या होगा। तो उन्होंने तब के जवाब दिया, बोला अरे ऐसी क्या बात है, हम लोग ले चलेंगे आप लोगों को।
तो हमें लगा कि ऐसे ही मजाक में कह रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस मजाक को बेहद सीरियसली लिया। एंड आई मस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ और देखा हूँ एक से एक बोर्ड प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आए, इस लेवल की जनरोसिटी, बाहर में आप फंसे हुए सारे जर्नलिस्ट को, जितने लोग यहाँ पर हैं बारबाडोस, उसको साथ में टीम के साथ ले जाना। उन्होंने कहा, और समझ लीजिए कि भाई ऑब्वियसली किसी को कोई पैसे भी नहीं लगने, वो तो एक अलग चीज़ है, बट द फैक्ट कि सब लोग फंसे हुए, यहाँ तूफान है, हर किसी के घर में परेशानी है, वहाँ पर उन्होंने टीम के साथ साथ, अपनी टीम के लिए तो चलिए वो परेशान है ही, वो प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ उन्होंने मीडिया के बारे में सोचा, पूरी BCCI की टीम में, और ट्रीट किया इक्वल, मतलब जो इंडियन कंटिजेंट जो यहाँ पर आया, 20-25 लोग जो आए हैं, फोटोग्राफर मिला के, टीवी चैनल के रिपोर्टर, वेबसाइट के रिपोर्टर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये पहली बार हमारा भी है, पहली बार जो है चढ़ रहे हैं हम, अरे यार चार्टर्ड फ्लाइट, इंडियन टीम की चार्टर्ड फ्लाइट, तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, जेन्युइन एक्सक्यूज थे, क्योंकि ये प्लेयर का मोमेंट है, प्लेयर के प्राइवेट जेट है, प्लेयर लोगों का परिवार है, इतनी बड़ी ट्रायम्फ है, मीडिया को वहाँ पर साथ में ला देना, पूरा प्रोटोकॉल को ब्रेक करना, इन सब चीज़ों की BCCI ने परवाह नहीं की। और हालांकि थोड़ी सी जो फ्लाइट है जो वो लेट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी स्पेशली BCCI सेक्रेटरी जय शाह की, श्रीलंका के जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वो भी अपनी फ्लाइट के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। वेलकम। सो हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ एक्ट ऑफ जेनरोसिटी बाय श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड एवर? दिस इज अनप्रेसिडेंटेड फॉर अस जर्नलिस्ट। व्हाट यू हैव टू से? Special occasion for the all the Indian journalists, so yeah, it's a good thing. So have you ever seen that, has it happened in your Sri Lanka ever? In my career I have not, the situation is not good here, so Bimal ji and the, all the Indian journalists very पाकिस्तानी मीडिया अभी जो मुरीद हो चुकी है, जैसा कि इतने बड़े जो जेस्चर उन्होंने दिखाया है, जो दिखाया, तो भाई उसके लिए एक लाइक जरूर बनता है। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स करो, ज़रूर बताना। फ्रेंड्स फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिए यार, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, तो मिलता हूँ आपको एक न्यू